बिहार में मची सियासी हलचल को लेकर लालू यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल आरजेडी बिहार में सियासी कंफ्यूजन को दूर करने की मांग कर रही है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार में जो राजनीतिक हलचल मची हुई है उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दूर करना चाहिए। जब इस गठबंधन की बुनियाद पड़ी, उस बुनियाद में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और तेजस्वी जी, बुनियाद की एक एक ईंट जो थी वो ये थी कि मोदी जी की तानाशाही राजनीति नफरत और घृणा के खिलाफ। उसी कार्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ संयोजन भी किया मीटिंग का, तेजस्वी जी के साथ मिलकर के, सब मिलकर के बेहतर ढंग से एक सृजन का कार्रवाई हुआ। आप देख सकते हैं हालात कितने बदले हैं। तो सीधे तौर पर मैं तो जो देख रहा हूँ और जो उससे असमंजस है, मैं मानता हूँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे कि ये कन्फ्यूजन सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारों में चल रहा। तो जाहिर तौर पर हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कन्फ्यूजन को दूर कर दें। आरजेडी सांसद मनोज झा के इस बयान को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बल्कि कन्फ्यूजन आरजेडी नेताओं के मन में है। बिहार की तकदीर अच्छी दिख रही है और माननीय नीतीश कुमार जी के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, न हमारी पार्टी के मन में है। लेकिन यह सवाल खड़ा करना कि नीतीश कुमार जी कन्फ्यूजन को दूर करें, तो इसका मतलब आपके मन के अंदर कन्फ्यूजन है। कैबिनेट में साथ में, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में साथ में, उसके बाद भी अगर संशय की बात हो रही है तो इसका मतलब आपके मन के अंदर कोई कन्फ्यूजन है। इसका मतलब माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन मन के अंदर भाव कहीं ना कहीं द्वेष का है। तो अगर द्वेष का भाव है तो आप जानिए। लेकिन आरजेडी को तो आशंका है क्योंकि खुलकर वो बता रहे हैं, और आज राज्यपाल के टी पार्टी में भी एक सिर्फ आलोक मेहता को भेज दिया गया। अब ये तो वो विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है ना कि माले विधायक दल के नेता आ रहे हैं, महामहिम राज्य के प्रथम नागरिक हैं, तो संवैधानिक प्रधान का तो सम्मान करना चाहिए। ये हर व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। वो एक व्यक्ति नहीं है, वह महामहिम का पद है। अब वहाँ के टी पार्टी में परंपरागत रूप से जो होता है सारे दल के लोग जाते हैं, अब इसमें नहीं जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? चाय अच्छी नहीं लग रही है वहाँ का, जो भी साथ अच्छा नहीं लग रहा है। अब वो जाने ना, इसका विषय तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सूर्यास्त तो हो गया और हम स्पष्टीकरण दे दिए कि मेरे मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन के टूटने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। नीतीश कुमार को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि वो एक बार फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि वो एक बार फिर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। टाइम्स नाउ, नव भारत, डिजिटल की रिपोर्ट।